एवरीवन, वेलकम टू पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लेडीज़ अपना समय बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। कुछ लेडीज़ तो अगले दिन के खाने की तैयारी भी पहले ही शुरू कर देती हैं, यानी कि एक दिन पहले सब्ज़ी काटना और सब्ज़ी में प्रयोग होने वाला सामान जैसे प्याज और टमाटर आदि काट कर रख देना या मसाला भून कर रख देना। पर क्या आप जानते हैं कि एक दिन पहले कटे हुए प्याज को अगले दिन की सब्जी में इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है? शायद आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। आज मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल रियल है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा करना वास्तव में, रियलिटी में कितना ख़तरनाक हो सकता है। दरअसल ये सन 1919 की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1919 में फ्लू से लगभग 4 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। इन बुरे हालातों के चलते एक डॉक्टर कई किसानों से मिलने खुद उनके घर गया। डॉक्टर उन किसानों के घर इस आशा के साथ गया था ताकि वो इस महामारी का इलाज ढूँढ सके। उस समय बहुत सारे किसान फ्लू से पीड़ित थे, मारे जा चुके थे। इसी दौरान वो डॉक्टर एक ऐसे किसान के संपर्क में आया जो इस भयंकर महामारी के चलते भी बिल्कुल हेल्दी था। केवल वही नहीं बल्कि उस किसान का पूरा परिवार भी एकदम स्वस्थ था। ऐसे में उस डॉक्टर को ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर उस किसान ने सारे गांव से हटकर ऐसा क्या किया जो वो और उसका परिवार इस महामारी में भी हेल्दी है। तो डॉक्टर को किसान ने बताया कि उसने अपने मकान के दोनों कमरों में एक प्लेट में कटी हुई प्याज रखी थी। इसके बाद जब डॉक्टर ने प्लेट में रखी इन प्याज में से एक को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे उस प्याज में फ्लू के बैक्टीरिया मिले जो यकीनन उस प्याज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए थे। और शायद यही कारण था कि पूरे गांव में महामारी होने के बावजूद भी ये परिवार बिल्कुल हेल्दी था। दरअसल वो फ्लू के जो वायरस थे वो प्याज ने, यानी अनियन ने, अपने अंदर सोख कर लिए थे। तो हमारे लिए भी ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पहले काट कर रखी गई प्याज विष के समान होती है। इसके अलावा जब कभी हॉस्पिटल में कोई फूड पॉइजनिंग का केस आता है तो सबसे पहले पेशेंट से यही पूछा जाता है कि आपने आखिरी बार कच्ची प्याज कब खाई थी या प्याज कहाँ से खाई थी। वेल, इसका कारण यही है कि प्याज बैक्टीरिया के लिए चुंबक का काम करती है। खास करके कच्ची प्याज खतरनाक होती है, इसलिए आप गलती से भी कटी हुई प्याज को ज़्यादा देर तक रखने की गलती ना करें। इनफैक्ट अगर आप प्याज को एक दिन पहले काटकर फ्रिज में भी रखते हैं तो भी ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कटी हुई प्याज फ्रिज में रखे हुए बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर ये आपका पेट खराब कर सकती है। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्याज जब भी आपको खाना हो या सब्जी में डालना हो तभी आप काटें। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक के बटन पर हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक पर भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जब आप सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन है, उसको भी हिट करें ताकि आप को मेरे नए वीडियोस के अपलोड्स के नोटिफिकेशंस मिल सके और आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके। तो मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या फिर ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।